गाइस, तो मैं भी हो गई हूँ रेडी। आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, जो होता है पहला अर्घ। तो प्रसाद वगैरह बनाना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ प्रसाद जहाँ बन रहा है। देखते हैं कि क्या क्या प्रसाद रेडी हो गया। तो गाइस, छठ पूजा का प्रसाद बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे सब प्रसाद बना रहे हैं, चाचू, चीची, मम्मा, मौसी दादी वहाँ पे चावल का आटा भून रही है लड़ुआ के लिए। और ये भी लड़ुआ ही बन रहा है ना, ये चावल के आटा को भून के बनता है ये लड़ुआ। ठेकुआ भी बनेगा, वो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा बनना, वो करेंगे स्टार्ट थोड़ी देर में। इतना सारा ठेकुआ बन गया है। अच्छा, उधर भी है परात का परात ठेकुआ तैयार। ढेर सारा इस बार डिलीवरी होगा। नहीं, वो भी बोलो, गुड़ का ठेकुआ। हाँ, गुड़ का। अच्छा, चीनी वाला अभी इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये सारे गुड़ वाले हैं सब। चीनी वाला अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है एक्चुअली। यस, और लड़ुआ पूरा बन गया। अरे हाँ, वो तो कब का बन का तैयार होने देखा। पूजा के बीच में यहाँ पे सब क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहा है ये सब। कोई काम नहीं कर रहा है और ये सब पोस्ट होगा। सब छठ पूजा की तैयारी छोड़ के मैच देख रहे हैं, बट हाँ, इम्पोर्टेंट मैच है तो। ओके, चलिए कंटिन्यू। ये मैच के लिए प्यार, यहाँ छठ पूजा की तैयारी के साथ साथ मैच नहीं छूटना चाहिए, है ना? अपडेट्स मिलते रहते। कोई नहीं, कोई नहीं, हम देखते हैं छोटा मोटा चीज भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर हो। सजना तैयार हो गया है, थोड़ा सा अभी और बचा है यहाँ पे तलने के लिए, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी हो जाएगा बस, आई थिंक हाफ एन आवर का हमारा ये टास्क बचा है इधर का। तो ये छुट्टा है, ये मतलब उस पर नहीं जाएगा, सूप पे। सूप वगैरह सब रेडी हो गया है, बहुत शोर होगा बैकग्राउंड में, सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो मैं दिखाती हूँ। हमारा सूप सारा सज के तैयार है। आ गया सूप घाट पे, और ये है सूर्य भगवान। वो थोड़े घर के पीछे छुप गए हैं, बट बहुत प्यारा लग रहा है ये। ऑरेंज, पूरा स्काई ऑरेंज हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब धीरे धीरे सूप यहाँ पे सजना स्टार्ट होगा। ये हमारा घाट है, इसमें गंगा जल भर दिया है। सज गया है, सब रेडी है घाट में घुसने के लिए, और अब अर्घ स्टार्ट होगा। रेडी फॉर वर्ल्ड कप, आज इंडिया जीतनी चाहिए भाई, आज इंडिया। हम लोगों ने तो चेंज कर लिए है, इंडिया की टी शर्ट पहन ली है, और ये सबसे बड़ा फैन आज भैया रो देगा अगर इंडिया नहीं जीता तो। भैया बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसके। आगे किचन में दीदी से मैंने आलू उबलवा लिए थे ये, और मैंने प्याज भी कटवा लिए थे। अभी मैं इसको पूरा वो जो स्टफिंग होता है वो सब बनाऊंगी। और चलिए जी, इसकी करते हैं स्टफिंग तैयार। तो जी, हमारा स्टफिंग हो गया है तैयार। इसमें बस मुझे अभी धनिया पत्ता डालना है, वो मैं सबसे एंड में डालूंगी। और ये हो गया तैयार, पराठे की प्रिपरेशन हो गया स्टफिंग। ये हमारा आटा तवा हमने रख दिया गर्म होने, मक्खन हमने निकाल दिया है, घी हमने निकाल दिया है। तो अभी मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि पीछे वर्ल्ड कप
क्रिकेट का भी स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग अभी बनाते हैं आलू का पराठा। इंडिया इंडिया ये लो आलू का पराठा। दही नहीं खा गई। सो इंडिया की बैटिंग खत्म हो गई है और हम यहाँ पे अभी पी रहे हैं चाय और हमने ये मंगवाई है दाल के लड्डू, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। बस यार अभी टेंशन तो बहुत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। बस हाँ, फील्डिंग और बॉलिंग, फील्डिंग ज़्यादा अच्छी लगी, ऐसा लगा कि कोई भी चौका तो मारने ही नहीं दिया। बस अब इंडिया जीत जाए तो फिर पार्टी होगी, पार्टी बल्ले बल्ले, चीयर्स। तो आधा मैच छोड़ के गए और हमने भी मैच बंद कर दिया। बैड इशू वापस आ गए क्योंकि लग रहा है कि आउट हो गया। आउट हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं मत देखो ना, प्लीज मत देखो ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल था वर्ल्ड कप और बताने की जरूरत नहीं है कि कितना दुख हो रहा और कितनी टफ नाइट थी। और इवन मॉर्निंग में भी ऐसा लग रहा था कि उठने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो जो 11 प्लेयर्स हैं उनको कितना बुरा लग रहा होगा, हम लोगों को इतना बुरा लग रहा था। बट एनी हाउ करते हैं काम, मुझे समझ नहीं आता, मुझे यहाँ देखना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, यहाँ। बट लाइफ गोज ऑन। बहुत बुरा लगा, बहुत बहुत बुरा लगा, मतलब कि अभी भी दिल में ऐसा लग रहा है कि आह कुछ तो ऐसे छूट गया, कुछ पर्सनली, मतलब कि ऐसे पर्सनल लॉस होता है ना, वो लग रहा है आज तो। बट जबकि मैं तो इतनी क्रिकेट फैन नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मंडे स्टार्ट करते हैं। आज ऑफिस है तो देखते हैं कैसा रहेगा ऑफिस। और अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, दीदी आ चुके हैं, वो घर के काम कर रहे हैं, सब्जी वगैरह बना रहे हैं, गुल्लू सो रहे हैं, तो फिर बस यही है। चलिए गाइस, तो हम सुबह का अर्घ का टाइम हो गया है तो सब ऊपर जा चुके हैं। मैं सबसे लेट हूँ क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी। चलिए चलते हैं सुबह के अर्घ पे। और एक एक करके सूप जा रहा है अर्घ के लिए। अच्छा सो जी, अगरबत्ती से भगवान जी निकले नहीं है, बट ऊपर उनका रेड रेड दिख रहा है आसमान में। ये पटाखे फूट रहे छत पे। यहाँ अर्घ दिया जा रहा है सुबह का अर्घ। और चाचू यहाँ लैम्प और ये छत पूजा पे सब कैंडल है, कैंडल कैंडल है। ये सुबह सुबह इतने सारे कबूतर एक साथ और यहाँ पे ये पूजा चल रहा है। हाँ साथ में और हमारे घर के बड़े लोग ये फुलझड़ी जलाने में बिजी है, देखो। हाँ सब बड़े लोग फुलझड़ी जलाने में बिजी है। वीडियो वीडियो है घाट का पूजा कैसे होता है। सब जो भी सूप में होता है वो चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और सूर्य भगवान जी को प्रणाम करके यहाँ पे पूजा हो रही है।